नमस्कार दोस्तों, आज का जो चैलेंज है हमारा, जो आपको दिख रही है बुलेट बाइक, जिसका इंजन है 350 cc का, और उसके बाद में अपने पास ये एक मोटरसाइकिल और है जो कि दोनों को टचिंग करके हम खींचने वाले हैं। ये 110 cc इंजन में है दोस्तों। अब आप आगे वीडियो में देखेंगे ये बाइक खींच पाती है उसको या वो खींच पाती है इसको। लौंडे ले आ रहे मोटरसाइकिल। चलिए दोस्तों, हमारे पास ये है एक रस्सी, इधर मैंने बुलेट के बांध दिए हैं और इस साइड में स्पेलेंट प्लस के बांध रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। चलिए दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि बुलेट मोटरसाइकिल ने इस मोटरसाइकिल को खींच लिया था, तो अब मैं एक मेरे पास रस्सी और है, उसी के सहारे इस मोटरसाइकिल के आगे मैं रस्सी बांधूंगा और मोटरसाइकिल और आगे मैं, समझ रहे हो ना, मोटरसाइकिल को खींचूंगा और मोटरसाइकिल भी ये भी स्टार्ट होके चलेगी उधर, वो चलेगी उधर बुलेट वाली। तो क्या हम ये बाइक और मैं दोनों साथ में मिलके इसको खींच पाते हैं बुलेट को या नहीं? 1 2 3 गो। तो गाइस, आपने देखा कि एक साइड थी बुलेट और दूसरी साइड मैं खुद एक रस्सी के सहारे और ये मोटरसाइकिल, हमने दोनों ने एक साइड खींचा लेकिन बुलेट एक साइड खींच रही थी, लेकिन बुलेट हम दोनों को खींच के लेके चली गई। तो हमने एक ये दूसरी बाइक और मंगवाई है, दो बाइकों के सहारे बुलेट को खींचने के प्रयास करेंगे। अब मैंने ले लिए एक रस्सी ये। तो दोस्तों ये निकाल रहा है हवा। चलिए दोस्तों, मैंने एक नई रस्सी से उस मोटरसाइकिल को इस बुलेट से जोड़ दिया है और इस रस्सी से ये ऑलरेडी पहले जुड़ी हुई है। अब दोनों को साथ में मिला के एक तरफ दोनों को साथ में खींचेंगे और एक तरफ बुलेट से खींचेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखा, हमने इन दोनों बाइकों के साथ में बहुत जोर लगाया इस बुलेट को खींचने के लिए, लेकिन ये बुलेट जगह से हिल भी नहीं पाई। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले।